आज अच्छा लग रहा है, गांव के स्कूल है, हम नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, पांचवे तक स्कूल था ही पुराना हम लोग के बच्चा में। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। आज श्री राबड़ी देवी ने ये बता दिया कि उन्होंने पांचवी तक की ही पढ़ाई क्यों की है। दरअसल आपको बता दें कि आज राबड़ी देवी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ जो है अपने मायके सिलार कला पहुंची थी और यहाँ पे उनको अपनी स्कूल की याद आई और स्कूल की यादें जो है अपने इस पुराने स्कूल जहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई करती थी वहाँ पर ये यादें उनको खींच कर लेकर गई। और ऐसे में आपको बता दें कि जब वो वहाँ पे पहुंची तो लड़कियों से छात्राओं से वो बात करती हुई नजर आई हैं और वहाँ पर एक शिक्षिका की भूमिका में भी नजर आ रही है। जरा वो वीडियो देखिए कि राबड़ी देवी शिक्षिकाओं से क्या चीज बातचीत कर रही है। Yes, ma'am. तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें राबड़ी देवी जो है शिक्षिका की भूमिका में नजर आ रही है, छात्राओं से वो बातचीत भी कर रही हैं, साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और क्या कुछ कहा है वो आप सुने। आज अच्छा लग रहा है, गांव के स्कूल है, हम नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, पांचवे तक स्कूल था ही पुराना हम लोग के बच्चा में, छात्राओं तक पढ़ के आगे नहीं पढ़ा है, आगे दूर दूर पहले लोग लड़की के नहीं देते। कुछ समस्याएं भी बताई विद्यालय के लिए। हाँ बताइए, टीचर के लिए बताइए, उर्दू टीचर नहीं है, संस्कृत टीचर नहीं है, इस सब शिक्षिका की भूमिका में भी नजर आई है। जी पहली बार आए हैं। तो आपने सुना राबड़ी देवी ने बताया कि आखिर उन्होंने पांचवी तक की ही पढ़ाई क्यों की है। उन्होंने बताया कि स्कूल जो है जब पुराना स्कूल था तो यहाँ पर पांचवी तक की ही कक्षा चलाई जाती थी, लेकिन अब जो है पुराना जो स्कूल है उसकी रूपरेखा बदल चुकी है, अब स्कूल में नई नई सुविधाएं हो चुकी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इस दरमियान जो है उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी वहां पर मौजूद थे और आज पहली बार मीडिया के सामने राबड़ी देवी ने ये कहा कि आखिर उन्होंने पांचवी तक की ही पढ़ाई क्यों की है। बता दें कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी पहले थावे के मंदिर में गई थी और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम हुआ और वो अपने मायके भी गए जहां पे उन्होंने अपने पुराने स्कूल में जाकर छात्र छात्राओं से बातचीत की, सभी चीजों को देखा, सभी यादें जो है वो भी ताजा किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।